बेटा आप बिल्कुल शैतानी नहीं करेंगे। मम्मा ने आपको जैसा जैसा सिखाया आप बिल्कुल वैसा करेंगे। बेड पे बिल्कुल नहीं कूदना आप, क्योंकि आप वहां से कूदेंगे ना तो आपको चोट लग जाएगी, समझे? क्या लगेगी? चोट। सॉरी बेटा, एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, आप खाना बिल्कुल टाइम पे खाएंगे, है ना? आपको पता है मम्मी ने आपके लिए क्या किया है? देखो, वो आपकी फेवरेट चॉकलेट्स और बिस्किट्स है ना, जब आपका मन करे तब आप खाइएगा। ओके मम्मा। और लंच के बाद हमारा बच्चा क्या करेगा? ड्राइंग। यस। वाओ मम्मा, चॉकलेट भी है, तो मैं बहुत अच्छी ड्राइंग करूंगा। अब मम्मा जाए? अब जाओ। जाओ ना मामा, परेशान क्यों हो रहे हो? मैं अपना ध्यान जरूर रख सकता हूँ। मामा मैं भी आपके साथ ऑफिस चलूँ? नहीं शौर्य, मामा ने आपसे कहा था ना कि यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारा शौर्य हमारे साथ रहता है। और मम्मा का आज पहला दिन है ना ऑफिस में, तो आज नहीं, मम्मी फिर किसी दिन आपको अपने साथ लेकर जाएंगी। ओके। आपको डर तो नहीं लगेगा ना शौर्य? नहीं मम्मा, आई एम अ ब्रेव बॉय। अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ ना मम्मा, देखो मेरी छोटे छोटे मुच्छी भी आ रही है। मामा यू आर ब्रेव मदर, तो अब जाओ। अरे आज आपको पहला दिन है, नौकरी में ले जाओगे क्या? स्माइल करो और जाओ। बाय शौर्य। बाय। इतना बड़ा कदम उठाकर हम सही तो कर रहे हैं ना उर्मी? अपने दिल की आवाज सुनो, दिल की आवाज कभी गलत नहीं होती। हमारा दिल कह रहा है हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बच्चा आप बिल्कुल अच्छे से रहेंगे ना? ओहो मामा, आप बिना मतलब के परेशान हो रहे हो। कभी आपको इस तरह से अकेला छोड़ा नहीं है ना शौर्य? आप अपना पूरा ध्यान रखना। बाय। बाय। आप बैठो। काम बहुत सावधानी से होना चाहिए। लेडी का नाम है गायत्री सिंह, स्वर्गीय हो जाना चाहिए। फोटोग्राफ भिजवाता हूँ थोड़ी देर में। आज ही होना चाहिए। कल क्या, कल तो रिजल्ट चाहिए मुझे भाई, वेट नहीं करूंगा मैं। यार आपको और कोई काम नहीं है दुनिया में? बस उसी के पीछे पड़ी रहेंगी बस हाथ धो के। अरे थोड़ी अपनी जिंदगी भी जी लो भाई, खुश रहेंगे आप? एक काम बोला था मैंने आपको, हो गया वो? हाँ हाँ बेटा, अरे वो काम तो हम कर ही रहे हैं। अरे हमने शर्मा जी की मौड़ी से कह दिया है कि... अरे यार वो नहीं माते। अबॉर्शन का क्या हुआ दीदी?
कल के कल हो जाना चाहिए। ये मेरा घर है, सांप के अंडे पालने की जगह नहीं है। बेटा हम अब जाइए। ठीक है। गुस्सा नहीं करो तो और क्या करूं? हाँ, तुम्हें एहसास भी है तुमने क्या किया है, कितनी बड़ी गलती की है? अरे कोई भी ना समझ आदमी अपने रिश्तों के बारे में तो समझता ही है। तुम वो कि अरे उर्मी जब यहाँ आई थी तो उसका दुख नहीं तुमने देखा? अरे वो तो अपना समझ के यहाँ आई थी ना, और उर्मी तो तुम्हारी ननंद है, फिर भी तुम। अरे गौरव जी, हमने जो कुछ भी किया वो उर्मी दीदी की भलाई के लिए किया। हाँ, आपको पता है हमें कितना बुरा लगा उनके साथ ऐसा बर्ताव करने में, फिर भी उर्मी दीदी और सम्राट जी का घर बचाने के लिए हमने ये सब किया। आप है ना, हमें समझते नहीं। हाँ, जब देखो खाम खाम में डांटते ही रहते हैं। एक बार भी नहीं आपने सोचा कि हम अपनी ननद से कितना प्यार करते हैं, हम उनकी उनकी भलाई के लिए इतना जतन किए, और आप? चुप रहो। देख लिया तुम्हारा प्यार और तुम्हारी भलाई। अरे आपकी आंखों पर तो ना जैसे किसी ने पर्दा ही डाल दिया है। अच्छा दामाद जी, एक बात बताइए कि हमारी बिटिया को आप हमेशा काय दोष देते रहते हैं? उर्मी बिटिया जहाँ ना आई होती तो ये सब होता क्या? नहीं ना, जब से आपकी बहन घर छोड़ के आई है उसकी वजह से आपकी नौकरी भी चली गई, ऊपर से आशा पेट से। आपको कम से कम अपनी फिक्र नहीं है तो आने वाले बच्चे के लिए तो फिक्र करिए। क्या करेंगे आप, बच्चे के आने से कितना खर्चा वर्चा बढ़ता है आपको पता है कुछ है? जब देखो तब उर्मी 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 लगाए रहते हैं। बंद कीजिए सब, बहुत सुन लिया आपका। आप हमारे परिवार के मामले में ना बहुत दखलअंदाजी कर रही हैं। बंद कीजिए सब। और ये हमारा बच्चा है, इसकी परवरिश कैसे करनी है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, और हमें जिम्मेदारी के बारे में मत सिखाइए। ये हमारा घरेलू मामला है, हम खुद सुलझा लेंगे। आप यहाँ मेहमान हो, मेहमान की तरह रहो, ज्यादा सरकार बनने की जरूरत नहीं है, वरना आप खुद समझदार हैं। सुना अम्मा, गौरव जी है ना बिल्कुल सही कह रहे हैं। चुप रह, ज्यादा पति की ना तरफदारी ना कर तू। हाँ सही कह रहे हैं गौरव जी। अच्छा गलत कह रहे हैं का गौरव जी? अरे तो का हम झूठ बोल रहे हैं? होटल पैराडाइज प्रेसिडेंसी, हाउ कैन आई हेल्प यू? श्योर सर, आप ऑनलाइन देख सकते हैं। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम, हमें एक रूम चाहिए था। श्योर सर, आपको किस तरह का रूम चाहिए? डिलक्स। गौरव जी, आप बाजू वाले काउंटर में चले जाइए, वहां आपको रूम की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके। हेलो उर्मी, कहाँ हो तुम? बताओ मैं कहाँ हो? भैया हम अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकते, बस तुम इतना जान लो कि हम और शौर्य दोनों बिल्कुल ठीक है। भैया टेंशन मत लो तुम। पर ये तो बताओ तुम हो कहाँ? वक्त आने पे हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे, लेकिन भैया हम नहीं चाहते कि सम्राट जी को हमारे बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले, नहीं तो वो हमारे यहाँ पे भी जीना दुश्वार कर देंगे। भैया फिलहाल के लिए तुम फोन रखो, हम तुम्हें बाद में फोन करते। बाय। उर्मी, हमारे यहाँ पर्सनल फोन कॉल्स अलाउड नहीं है, आइंदा से याद रहे, नो पर्सनल फोन कॉल्स ऑन ड्यूटी। ओके? आई एम सॉरी सर, आइंदा से नहीं होगा, हम ध्यान रखेंगे। बेटर।
उर्मी, इसमें हमारे होटल की कुछ इंपॉर्टेंट कवरेज है, आप इन्हें कट करके एक नया फाइल बनाइए। हमने तो कैंची रूम में टेबल पे ही छोड़ दी थी, कहीं शौर्य उससे खेलने ना लगे, कहीं उसको चोट वोट लग गई तो क्या करें। हे भगवान, भगवान शौर्य का ध्यान रखे। बेबो 80 नंबर पूरे 100, अब मैं यार ये चॉकलेट खाऊंगा। अमृत, 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 क्या हाल बना रखा है इस जगह का। अमृत, क्या हाल बना रखा है, कैसे रह रहे हैं आप यहाँ। अदिति भगवान, अदिति तुम कब आए। क्या बात है अमृत बाबू, आज तो लक्ष्मी माँ खुद चल के तुम्हारे पास आई। जय हो। मैं जानता था तुम जरूर आओगी। इतनी शिद्दत से याद जो कर रहा था तुम्हें। अब बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। अदिति तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हें देखकर मैं कितना खुश हूं। ऐसे लगता है मेरे सूखे जीवन में सावन भादों की हरियाली आ गई है। मैं चाय बनाता हूं। चाय बनाना भी सीख गया हूं मैं, ये देख। अमृत, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, बस 5 मिनट चाय पी के आराम से बातें करेंगे। आई एम प्रेग्नेंट, पेट से हूं मैं। बाबा रे, भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। क्या टाइमिंग है ऊपर वाले, मेरे खजाने को भेज दिया आपने फाइनली। थैंक यू भगवान, थैंक यू। अदिति तुम, हमारा बच्चा, सच अदिति, थैंक यू, तुमने हमारा हमारा सपना पूरा कर दिया। अदिति मैं इस खुशी से खुश नहीं हूं। ऐसा मत कहो अदिति, आपकी हरकतों की वजह से भैया इतना चिढ़ गए हैं कि उन्होंने मुझे अबॉर्शन कराने को कहा है। अबॉर्शन कराने को कहा है मतलब, तुम्हारे ये सम्राट भैया अपने आप को समझते क्या है। अरे हमारा बच्चा हमारे प्यार की निशानी है, हमें पूरा हक है कि ये इस दुनिया में आए, तुम्हें पूरा हक है कि तुम मां बनो। कोई अबॉर्शन नहीं होगा। मैं भी ये नहीं चाहती हूँ, लेकिन भैया ने तो हुक्म सुना दिया है कि अगर बच्चा चाहिए तो घर से निकल जाओ वरना बच्चा गिरा दो। ये बच्चा तो मेरे लिए फिर से उस सम्राट के घर का गेट पास हो सकता है। मैं इस गेट पास को कैसे गिरने दूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये बच्चा पैदा हो तो ठीक है, मैं आपके पास आ जाती हूँ, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि उस घर में तो ये बच्चा हो नहीं सकता। और जिस घर में हमारे बच्चे को संसार में आने से रोका जाए तो वहां क्यों रहना। मैं आपके पास आके अपनी गृहस्थी में बच्चे को जन्म दूंगी। हाँ दीदी, हम एक साथ होकर रहेंगे, जरूर रहेंगे, हम हमारा बच्चा है। पर इस वक्त तुम ये डिसीजन मत लो, मेरा मतलब है ये, देखो हालत देखो, ये मैं नहीं चाहता हूं कि हमारा बच्चा ऐसे दुनिया में आए इस कंडीशन में। नहीं ना, बस मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सोचूंगा, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करूंगा, फिर हम साथ रहेंगे। बस तब तक तुम हमारे बच्चे के लिए उसी घर में रहो। लेकिन मैं तब तक भैया से क्या कहूं।
ऐसे घबराई हुई क्यों हो तुम? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मैडम हमारी काम की चीजें, और बहुत थक गए ना हम, इसलिए जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। ठीक है। हे भगवान, शौर्य अच्छा हो। शौर्य, शौर्य बाहर निकलिए। शौर्य, शौर्य बच्चा कहाँ है आप? बाथरूम में। शौर्य, शौर्य, कोई अपनी मम्मी के साथ ऐसा करता है क्या? शौर्य, मम्मी कितना डर गई ना। अरे ये क्या हाल बना रखा है? कितनी चॉकलेट खाई है? क्या ना खाया? आपने सारी चॉकलेट्स और बिस्किट्स खा ली शौर्य, खाना क्यों नहीं खाया? मुझे भूख नहीं थी। शौर्य अगर आप ऐसा करेंगे तो बताओ मम्मा काम पे कैसे जाएंगी? मम्मी आपको लेके परेशान रहेंगी ना। हमारा शौर्य तो बड़ा हो गया है, इतना बड़ा, और शौर्य मम्मा की हेल्प करेगा। शौर्य ने प्रॉमिस किया था ना मम्मा से, पर क्यों नहीं की हेल्प? शौर्य क्यों नहीं खाया आपने खाना? आपको अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा ना शौर्य, आपको अपना ख्याल रखना होगा, तभी आप मम्मी की हेल्प कर सकते हैं, तभी मम्मी मन लगा के काम कर पाएंगी, आपका ध्यान रख पाएंगी मम्मी। सॉरी मम्मा, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। डोंट वरी, अब मैं बिग बॉय हूँ, अब मैं घर पे अच्छे से रहूंगा और आप अपना काम करना। ओके, गुड बॉय। मम्मा पता है मैं आपको बहुत मिस किया, आपने मुझे मिस किया? बोलो ना मम्मा, कितना? इतना सा बस। आपको पता है आपकी मम्मा ने आपके लिए क्या लाई है? क्या मम्मा? आपकी फेवरेट रोल। वाओ। और अब मम्मा और शौर्य साथ में मिलकर खाना खाएं। क्या खाएंगे? खाना। यस। सपने, एक चाय लेके आना प्लीज। गुड मॉर्निंग सपना, चाय मत लेके आना। मीना, Thank you.
चलिए भाई, हो गया काम, अब तो आना पड़ेगा चुहिया को बिल से बाहर। आजा, एक ही झटके में दबोच लूंगा मैं, फिर चाहे जो कर ले निकल नहीं पाएगी मेरे पंजे से।